Hi friends, kya hal chal? This is CA Sachin Gupta reporting directly live from my Goa Beach studio. Just joking. I hope you people are taking care of your health and I'm doing great. So friends, exams are around the corner. I wish CA, CS and CMA students all the best for your exams. Do your best and leave the rest. Humne khub maze se, khub man laga ke padhai kari hai. खूब हमने ऑनलाइन पूरा 8-9 महीने आपके साथ काम किया है और अब काम हो गया है या अब जो काम रह गया है वो रह गया है पुरुषार्थ का और वो 3 घंटे के अंदर हमें काम करना है. सो फ्रेंड्स, उस 3 घंटे के अंदर कुछ लकी टोटकास मैंने बनाए हैं जिसको आपको फॉलो करना है. 13 मिनट में 13 टोटका मैं आपको बता दूंगा और 13 टोटके से हो सकता है 13 नंबर आपके बढ़ जाएँ. सर, ये 13 के पीछे की क्या राज है? क्योंकि दोस्तों, माई लकी नंबर इज 13. आई वॉज बॉर्न ऑन 13th of August. तो मेरे लिए तो 13 नंबर बहुत ही ज़्यादा खुश नसीबी का बात है, बहुत ज़्यादा लकी बात है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द 13 टिप्स एंड दीज टिप्स आर इक्वली वैलेंट फॉर मोर और लेस एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्स बट मोर रिलेवेंट फॉर योर टैक्स एग्जाम्स. तो दिस इज फॉर सी ए इंटर, सी एम ए इंटर, सी एस एग्जीक्यूटिव और अगर आपका टैक्स का पेपर प्रोफेशनल फाइनल लेवल पे भी है उनके लिए भी ये टिप्स वैलिड है. तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू. 3 घंटे में काम करना है, ऑलरेडी 8-9 महीने हम उसकी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़े से स्मॉल टिप्स भी होते हैं, 13 मिनट में 13 नंबर हो सकता है बढ़ सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट टोटका, दैट इज हेलो एंड बाय. हेलो एंड बाय. पेपर स्टार्ट करने से पहले पेपर को हेलो करिए, पेपर खत्म करने से पहले पेपर को बाय करिए. 5-10 मिनट 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको. सीए के वालों को तो पेपर्स पहले मिल जाते हैं, इंटर वालों को, फाइनल वालों को या बाकी और बच्चों को जब पेपर स्टार्ट भी करना होता है. प्लान करिए दोस्तों, पेपर स्टार्ट करने से पहले प्लान करिए. इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे, जीएसटी से स्टार्ट करेंगे, प्लान करिए. फॉर गॉड सेक प्लान करिए. इसमें एक ये काम और कर लेना, पेपर पूरा एमसीक्यू का है जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का है. 180 मिनट के अंदर आपको करने हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली एक एमसीक्यू में 1.8 मिनट्स आपको मिलेंगे. जैसे सीए इंटर के अंदर है फ्रेंड्स, मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, 180 नंबर का है, तो प्लीज़ वो प्लान कर लीजिएगा. इससे क्या होगा, हर क्वेश्चन पे आपको पता होगा 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बिताना है, आपकी गलती नहीं होगी. 2 मिनट से ज़्यादा बिताने नहीं है, 4 मिनट बिता लीजिएगा. दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कम करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तो आते भी नहीं होंगे. तो अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज टाइम आपको पता लग जाएगा. अगर आपने ये काम किया, पेपर कभी आप छोड़ के ही नहीं आओगे दोस्तों. जिंदगी में मुझसे, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पेपर आता हुआ पेपर छूट गया. वो अलग बात है, मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं होगा कोई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया. और बाय अप्रोच का मतलब क्या होता है, लास्ट के 5-8-9 मिनट पहले आप क्वेश्चन पे आंसर शीट छोड़ दोगे. आपने अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, छोड़ देंगे आप 8-9 मिनट पहले. यस, मैं तो ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 7-8 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली आप छोड़ देंगे. इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे सारी शीट्स आपने टाई अप करी है, नहीं है, गलती से कोई शीट रह गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. उसके बाद रोल नंबर जो मेंशन करना होता है और टिक 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 करने होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, ये सारी बातें थोड़ी सी लास्ट के 5-8 मिनट में कर लेना. अब जब आप 2 घंटे 55 मिनट में कुछ नहीं कर पाए तो 5 मिनट में क्या कर लोगे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय अप्रोच को भी फॉलो करें, 5 मिनट पहले पेपर छोड़ दें. हो सकता है 10 मिनट भी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है. उसमें क्या होता है, लास्ट के 5-6 मिनट के अंदर आप एक बार प्लान कर लेंगे कि क्या क्या आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्या क्या आपने कुछ किया था, सो दैट कुछ गलती भी हो गई तो ठीक कर लेंगे. दूसरा टोटका है दोस्तों T20 अप्रोच. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है T20. सर क्या मतलब T20 का? अरे बच्चों, T20 का मतलब है फ्रेंड्स कि पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं करना. पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं करना, सर क्या बोल रहे हो? अरे बच्चों, मैं तो बोलता हूँ 20% पेपर गलत भी हो जाए टेंशन मत लेना. ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि हम 12th से निकल के आए हैं और बीकॉम ऑनर्स हमें चाहिए होता था, तो हमें 12th में ये आदत पड़ गई थी कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा. अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो SRCC हमारे नज़रों के बाहर से निकल जाएगा, हिंदू हंसराज हमारी नज़रों के बाहर से निकल जाएगा. और अब यही हो रहा है, 100% हमारी कट ऑफ हो गई है. इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रोफेशनल एग्जाम्स है हमारे, प्रोफेशनल एग्जाम्स मतलब CA CS CMA, इसके अंदर 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना. मैं बता रहा हूँ, 80% भी पेपर अटेम्प्ट कर लिया, 20% गलत नहीं छूट गया, 20% नहीं आता था, टेंशन मत लेना. होता क्या है, आदत वही पड़ी है 12th की, एक क्वेश्चन 8 नंबर का नहीं हुआ, फिर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, टेंशन
इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, वो प्रेशर कुकर की तरह होता है, फिर वो फटता है, अगले दिन आपका मन नहीं करेगा पेपर देने का। तो आप ये सोचो ना कि 20-25% पेपर गलत होना ही है। अरे सीए फाइनल के अंदर मैंने 78 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, आई गॉट 68, आके धाड़े मार के रोया था दोस्तों, सच में कह रहा हूँ, अगला पेपर नहीं देने जाऊँगा। ये बड़ी गंदी फीलिंग आती है प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर कि भाई पेपर एक अच्छा नहीं होता, 10-20-25 नंबर गलत हो जाता है, आदत पड़ी होती है ट्वेल्थ की। तो दोस्तों मैं आज कह रहा हूँ उस आदत को बाहर कूड़ेदान में डाल दो, 20-25% पेपर भी गलत हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अगर सही अटेम्प 75 नंबर का आएगा तो 75 आ जाएंगे, टेंशन किस बात की, 75 पसंद है नहीं है नंबर, बिल्कुल पसंद है दोस्तों। तो ये T20 अप्रोच याद रखिएगा, कभी भूलना मत। तीसरी है फर्रे बना के लेके जाना एग्जाम्स के अंदर दोस्तों, ये बेस्ट टोटका है, मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूँ, फर्रे बना के लेके जाना, बस पकड़े मत जाना। सर फर्रे आप क्या बात कर रहे हो, अरे बेटा फर्रे का मतलब है वर्किंग नोट्स, एग्जाम के अंदर फर्रे नहीं लेके जाने हैं, एग्जाम के अंदर वर्किंग नोट्स बनाने हैं। जनरली क्या होता है जब हम घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वर्किंग नोट्स बनाना भूल जाते हैं, हम तो रफ कॉपी में टिक 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 कैलकुलेटर पे टिक 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 करके, लेकिन एग्जाम के अंदर टेक्स्ट के पेपर में और स्पेसिफिकली जब पेपर आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर अगर आपका सब्जेक्टिव है तो वहाँ पर आपको ये वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनाने हैं, सीएमए और सीएमए में तो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वर्किंग नोट्स मेंशन करने होते हैं, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 5। और ये वर्किंग नोट्स जैसे हेड्स की इनकम निकालनी है या टैक्स निकालना है तो मेन आंसर, अच्छा इस वर्किंग नोट्स पर बनाए कैसे, पहले वर्किंग नोट्स बनाए फिर मेन आंसर, या पहले मेन आंसर फिर वर्किंग नोट्स, मेरी प्रेफरेंस रहेगी पहले आपका मेन आंसर। तो आपका फ्रंट पेज जो है आपने ब्लैंक छोड़ा एक पेज, उसके बाद आपने सेकेंड पेज से मतलब जैसे भी आप जहाँ पर भी हैं वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 5, और फिर आपने दोबारा से आके फ्रंट पेज पे जो भी फर्स्ट पेज आपने छोड़ा ब्लैंक उस पे आपने आंसर लिखने स्टार्ट किए। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जैसे आपका एक पेज आपने ब्लैंक छोड़ा उसमें लिखा आंसर नंबर 3, उसके पीछे से आपने वर्किंग नोट स्टार्ट कर दिए, वर्किंग नोट 1, 2, 3, 4, 5, और फिर मेन आंसर में आके वर्किंग नोट, जैसे हेड्स ऑफ इनकम का क्वेश्चन आया, सैलरी वर्किंग नोट 1, हाउस प्रॉपर्टी वर्किंग नोट 2, पीजीवी वर्किंग नोट 3, कैपिटल गेन वर्किंग नोट 4, अदर सोर्सेज वर्किंग नोट 5, डिडक्शन अंडर 80C 280U वर्किंग नोट 6, टोटल इनकम आ गई, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके कह सकते हो टैक्स एट स्लैब रेट वर्किंग नोट 1, टैक्स एट स्पेशल रेट वर्किंग नोट 2। तो इस टाइप से वर्किंग नोट्स बनाइएगा, मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि पहले आप मेन आंसर दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, अच्छा सीरीज चेंज कर सकते हैं, यस 1-1 क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा सारे सब पार्ट्स इकट्ठे करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 2A, फिर क्वेश्चन नंबर 1B, फिर क्वेश्चन नंबर 2B, ना आप क्या करेंगे एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, उसके सारे सब पार्ट्स इकट्ठे कर दिए। और एक ऑप्शन और है कि सारे सब पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट बी, अलग अलग पेजेस पे करो, या अगर सब पार्ट्स भी आंसर कर रहे हो तो बीच में 4-5 लाइनें ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, सो दैट एग्जामिनर नोस, या लाइन खुद ड्रॉ कर दीजिएगा क्रॉस मार के कांटा लगा के कि भैया ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो चुका है। तो फर्रे रखना है दोस्तों, फर्रे रखने का मतलब है घर से फर्रे लाने, एग्जाम में ही आपके आंसर शीट्स में फर्रे बनाने हैं, दैट इज नोन एज वर्किंग नोट्स दोस्तों। चौथा टोटका है फर्स्ट क्रश, कभी नहीं भूलते ना दोस्तों, वो स्कूल की बात याद करिएगा, कॉलेज की बात करिएगा, सर अच्छा मुझे भी कुछ पुरानी यादें आ गई, एनी हाउ अब बात मेरी बात तो बीत गई, आप लोगों का जमाना है। फर्स्ट क्रश का मतलब है एक बड़ा अच्छा अप्रोच होता है कि एग्जाम में जब हम आंसर करते हैं तो जो माइंड में पहला आंसर आएगा ना, माइंड में जो पहला आंसर आएगा वो सही होगा। हाँ जी, फर्स्ट क्रश मीन्स फर्स्ट इन द माइंड, ये बड़ा अच्छा टोटका है। जब एग्जाम में क्या होता है हमें कोई आंसर सेक्शन ढूंढना है, सेक्शन 5 मन में आ गया, पता नहीं यार 5 नहीं 7 होगा, 7 नहीं 8 होगा, वो डाउटफुल वाली जो सिचुएशन होती है ना उसमें, हाँ अगर आपको कंफर्म है 5 नहीं है सर 7 ही है फिर बात अलग है, लेकिन अगर डाउटफुल सिचुएशन है ना तो एक टाई ब्रेकर ये है कि जो फर्स्ट आंसर इन द माइंड होगा ना वो सही होगा, क्योंकि पहला प्यार नहीं भूला जाता, तो हर बंदे में वही दिखता है ना, तुझ में वो रब दिखता है, तो उसी तरीके से जो फर्स्ट आपका आंसर आएगा माइंड के अंदर वो हमेशा सही होता है। जब आप फंस जाओ, टेंशन में आ जाओ कि भाई ए लेना है बी लेना है, बी पहले माइंड में आया था तो बी, ए लेना है तो ए आया था माइंड में तो ए। नेक्स्ट है जी बॉल्ड इज गोल्ड, हाँ जी बॉल्ड इज गोल्ड का मतलब है भाई गंजे का मतलब है जीरो ऊपर है ना, जीरो वैसे नहीं, मेरा मतलब है ऊपर से लगता है जीरो, बाला ओ बाला ओ बाला, इसका मतलब है राउंडिंग ऑफ, यहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं, हमें टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करना है, हमें टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करना है, टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करना है और टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करना है, ये बात याद रखिएगा। टोटल इनकम हेड्स को राउंड ऑफ नहीं करना,
यस दोस्तों, हेड्स अगर पैसे में आ रहे हो तो पैसा ही दिखाइएगा, जीटीआई पैसे में आ रही है तो पैसा दिखाइएगा, इसके मार्क्स कट जाएंगे आधा एक नंबर आपके, सब स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ। और ऐसे टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करना है, टैक्स टोटल इनकम को 288A में और टैक्स लायबिलिटी को 288B में, तो आपको बाला बनाना है उनको, गोल गुलाई में लेके आना है, मार्क्स कट जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टोटका है लव द नेबर, पड़ोसी को प्यार करो, पड़ोसन को या पड़ोसी को, मैं भाई मैं नहीं ऐसी बात बोल रहा, पड़ोसी को प्यार करो, इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। ये बड़ा कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं एग्जाम में, हमारी इनकम अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम है तो वो जो शिफ्ट कर सकते हैं एग्जेम्पशन लिमिट, कहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं। टैक्स निकालते वक्त क्या होता है, खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे दिया गया है, आपकी स्लैब इनकम्स है नहीं कोई, तो वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट रह गई है वो शिफ्ट हो जाती है। कहाँ से शिफ्ट होती है वो चीज़ें नहीं मैं बता रहा अभी, तो शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट टैक्स निकालते हमेशा रखना, क्योंकि ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने अमूमन करी थी अपने एग्जाम्स में और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ये गलतियां ना करें। तो लव द नेबर का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ द एग्जेम्पशन लिमिट। नेक्स्ट है, आज है पहली तारीख, मीठा है खाना, आज है पहली तारीख, कैडबरी चॉकलेट। सर ये क्या टोटका है? अरे ये टोटका है सैलरी चैप्टर में, सैलरी चैप्टर में ये पर्सनली मैं भुक्तभोगी हूँ। यहाँ पर सैलरी का क्वेश्चन होता है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, नीचे लिखा हुआ होता है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हाई मार डाला, वो ऐसा फीलिंग आती है। क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ का मतलब है मार्च टू फेब सैलरी लेनी है, हम ले लेते हैं अप्रैल टू मार्च क्योंकि हम देखते नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए, इससे एक और अप्रोच निकल के आती है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट में लिखा होता है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो वहां पर हमें अप्रैल टू मार्च लेनी होती है, मार्च टू फेब लेनी होती है, और गलती से मार डाला। हाँ जी, डोंट आस्क गर्ल हर एज, भाई किसी भी मोहतरमा से आप उनकी उम्र नहीं पूछते, वैसे मर्दों से भी ना पूछना, मैं बताऊंगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो हैप्पी बर्थडे टू यू, 1 अप्रैल को बंदा पैदा हुआ तो 1 अप्रैल को एज देखनी है ना, 31 मार्च को देखनी है। सर क्या बोल रहे हो, अरे बंदा 2 अप्रैल को पास, 2 अप्रैल को पास फेल की दिमाग में रहता है, 2 अप्रैल को बंदे का बर्थडे है तो 1 अप्रैल को एज देखनी है, 15 अप्रैल को बर्थडे है तो 14 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर एज देखनी है। सीबीडीटी का सर्कुलर है कि भाई अगर बंदा 1 अप्रैल 1960 को पैदा हुआ है, 1 अप्रैल 1960 को, 1 अप्रैल 1960, तो उसका 60th हैप्पी बर्थडे 31st मार्च 20 को बनेगा। लिख लो भैया, 1 अप्रैल 1960 को पैदा हुआ है तो 60th बर्थडे वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बनाएगा 1 अप्रैल 2020, लेकिन सीबीडीटी के हिसाब से 1 साल की उम्र, 1 साल या 60 ईयर्स वो कंप्लीट कर जाएगा 1 दिन पहले। अरे भाई जैसे साल खत्म होता है, साल शुरू होता है 1 जनवरी को, खत्म होता है 31 दिसंबर को, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, खत्म होता है 31 मार्च को, इसी प्रकार से एज शुरू होती है 1 अप्रैल को, खत्म होती है 31 मार्च को। तो गवर्नमेंट कहती है भाई, सीबीडीटी का सर्कुलर है भाई, कि अगर एज दी हुई है 1 अप्रैल 1960 तो 60 का वो टच कर जाएगा 31 मार्च 1960, तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर में, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में ही विल बी कॉल्ड अ सीनियर सिटीजन, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा एज निकालते, अच्छा एज दे रखी है 60 साल की, लिखा है जी 60 ईयर्स का प्रीवियस ईयर में, फिर कोई दिक्कत नहीं, 80 ईयर्स का प्रीवियस ईयर में, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 15 अप्रैल तो आप 14 अप्रैल को देखेंगे। अच्छा 15 14 में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब उसका हैप्पी बर्थडे टू यू 1 अप्रैल को होगा ना, वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी खाली ये पॉइंट को, तो 1 अप्रैल को बर्थडे है तो हम 31 मार्च को एज देखेंगे, वहीं ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसको याद रखिएगा। तो डोंट आस्क एनीवन हिज और हर एज, ही इंक्लूड्स शी, दोस्तों लॉ में जब भी लिखा होता है ना ही इज लाइबल टू पे टैक्स, तो ही इंक्लूड्स शी, तो सर क्या मतलब ये हर जगह होता है, सर शी इंक्लूड्स ही होना चाहिए, वैसे शी में ही होता है। अरे भाई ये मैं इस डिबेट पे तो नहीं पढ़ रहा, मेट्रो में ऐसे मत कह देना शी इंक्लूड्स ही, कभी आप लेडीज के कोच में जाके बैठ जाओ, फिर यहाँ पे ऐसी धुनाई और पिटाई और आपकी मतलब क्या बोलूँ मैं। तो इसका मतलब ये है भाई, रेजिडेंट इंक्लूड्स ROR और RNOR, तो जब भी इनकम टैक्स में हम रेजिडेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या तो क्वेश्चन या तो प्रोविजन लिखा हो ROR के लिए प्रोविजन है, लेकिन जब खाली रेजिडेंट वर्ड लिखा हुआ और इंडिविजुअल HUF हो तो वहाँ पर ROR RNOR दोनों आएंगे। तो जैसे शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट रेजिडेंट को मिलती है तो ROR RNOR दोनों आएंगे, इसी प्रकार से रिबेट अंडर 87A की वो रेजिडेंट को मिलती है तो ROR RNOR पक्का आएंगे, इसी प्रकार से कुछ डिडक्शंस हैं जो रेजिडेंट्स के लिए होती हैं तो दोनों ROR RNOR दोनों आएंगे। तो ही इंक्लूड शी का मतलब है रेजिडेंट इंक्लूड्स ROR एंड RNOR। आई वॉन्ट 100%, 10th टोटका है जी, आई वॉन्ट 100%। जैसे यहाँ पर कुछ पानी की चोरी हो रही है ना, आपको कुछ कट कटा के मिलते तो TDS कट जाता है ना दोस्तों, बहुत सारी इनकम्स में हम टैक्स निकालते हुए गलती क्या करते हैं, मान लीजिए आपको FD की इनकम दी हुई है और लिखा है 1 लाख का ब्याज मिला, 1 लाख का ब्याज मिला,
या 1 लाख का ब्याज बना, देखो यहाँ पर नेट ग्रॉस करना होता है, ये दिक्कत हमेशा आती है कि आपको रिसीव वर्ड दिया हुआ है या आपको इनकम वर्ड दिया हुआ है। लिखा है इनकम फ्रॉम FD 1 लाख, तो हम ये मान लेंगे कि उसमें TDS प्री TDS या ग्रॉस फिगर दिया हुआ था। IUS में तो 1 लाख आएगा, लेकिन टैक्स निकालते वक्त वो 10% 10,000 कट गया होगा, वो क्रेडिट ले लीजिएगा। लेकिन लिखा है इनकम रिसीव फ्रॉम FD 90,000, तो उसका ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। इनकम निकालते वक्त 90 डिवाइडेड बाय 90 × 100 1 लाख, और टैक्स निकालते वक्त 10,000 का क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो अगर TDS की बात इनकम के अंदर भी देखनी होती है और टैक्स निकालते वक्त भी देखनी होती है, थोड़ा सा ध्यान दे देना। हाँ जी, 11 टोटका है, वज देर इन द नेम शेक्सपियर ने कहा था, तो ऐसे वज देर इन द लाइन। अरे भाई, की इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो, नहीं करोगे तो इफेक्ट कैसे आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप की सेक्शंस की प्रोविजंस की आंसर्स को अंडरलाइन करिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो दिखता है वो बिकता है। 12th टोटका है, लॉ इज सुप्रीम। दोस्तों देखो, अगर लॉ की बात आती है, लीगल लैंग्वेज की बात आती है, तो ऑब्वियसली आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी है, तो आप लिखेंगे एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा लिखेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज 34, 10 क्लॉज, जो भी सेक्शंस आपके लिए जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, पूरा सेक्शन लिखेंगे एज पर सेक्शन 13, 14, 15 जो भी है। लेकिन सर सेक्शन याद नहीं रहते, तो सेक्शन 10 लिख दो ना भाई, सेक्शन 10 का क्लॉज याद नहीं रहता। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, तो हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 10 ब्रैकेट में 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। सर क्लॉज नहीं याद रहते, तो बेटा लिख देना बेटा ऐसा, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लिखो तो सही, खाली 10 लिखा होते हो भाई, 10 कौन सी, इनकम टैक्स एक्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, GST एक्ट है, एक्ट तो लिखो। सर सेक्शन 10 भी याद नहीं रहता, तो नलायक ये लिख दे भाई, एज पर इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। सर ये भी याद ना रहे, एग्जेम्प्ट है नहीं है, तो डूब के मर जा भाई, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, लव और लाइक, डू आई लव हर, डू आई लाइक हर, कंफ्यूजन हो गई दोस्तों, अब क्या करें। अब दो आंसर्स आ रहे हैं आपके पास, वो पहला वाला जो माइंड में ऑप्शन आया वो वाली ऑप्शन नहीं है, अब माइंड में दोनों ही आ रही हैं, अब क्या करें, एक सॉल्व कर दो, दूसरे का अजम्पशन लिख दो। हाँ, ये पेपर स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव हो तो बड़ा, सब्जेक्टिव हो तो जब बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप भी घुमा दो ना, एग्जामिनर आपको घुमा रहा है, मैं तो लड़की घुमा रहा था, है ना, तो आप भी घुमा दो भाई, आप भी घुमाओ, आप एक को सॉल्व कर दो, दूसरे का अजम्पशन दे दो, बात समझो। तो आप अजम्पशंस पक्का लिखेंगे दोस्तों, यस, कभी भी जब कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में होती है तो आप अपनी अजम्पशंस पक्का मेंशन करेंगे। यस, ये सब्जेक्टिव पेपर में ऑल दी मोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसी बात से अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा, और आप लोगों को दिल से मैं तमन्ना और दिल से मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप पेपर को दीजिएगा, मज़े से दीजिएगा और होशो आवाज़ में दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों ने खूब मेहनत करी है, मेरे साथ खूब 8-9 महीने लगाकर मेहनत करी है, मेरे साथ नहीं भी करी हो, अपने टीचर के साथ करी होगी। अब आपको ये 180 मिनट के अंदर ये 13 टोटका लगाइएगा, और कोई टोटका मन में आए वो भी लगाइएगा, लेकिन दोस्तों जब तक वो ना लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अभी आशा रखता हूँ कि आप अपने एग्जाम्स फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करेंगे, और अपने माँ बाप का, देश का, टीचरों का, गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। इसी बात पे आप लोगों से नमस्कार, ऑल दी बेस्ट, लीव दी रेस्ट, बाय।